मेरा मेरा सवाल सवाल ये ये है कि कि मैं मैं दवाई दवाई दुकान दुकान है है ना, और दवाई दुकान के दुकान के बगल में बगल मैंने में दो मैंने तबके दो को तबके आपस को में आपस लड़ते में हुए लड़ते हुए देखा, देखा, जिसमें कि जिसमें एक कि एक बरेलवी बरेलवी समाज समाज और और एक एक देवबंदी देवबंदी समाज समाज था। था। तो तो बरेलवी बरेलवी कहते कहते हैं हैं कि कि देवबंदी देवबंदी लोग लोग सही सही नहीं नहीं है है और और बरेलवी बरेलवी सही सही है। है। तो तो इसका इसका बुनियाद बुनियाद क्या क्या है, है, जड़ जड़ क्या क्या है, है, मुझे मुझे उसकी उसकी जानकारी जानकारी चाहिए। चाहिए। सवाल सवाल थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट है। है। भाई भाई साहब साहब ने ने कोई कोई डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल सवाल कहा कहा है, है, लेकिन लेकिन जवाब जवाब बहुत बहुत आसान आसान है। है। सवाल सवाल डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, है, लेकिन लेकिन जवाब जवाब आसान आसान है। है। जिसके कारण आपका विरोध भी हुआ। मैं विरोध करो क्या नहीं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आऊंगा, आपके दूसरे सवाल पे भी आऊंगा। पहले पहले सवाल का जवाब दो, फिर दूसरे सवाल पे आऊंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि वो दवा की दुकान में है और देखते हैं कि मुसलमान झगड़ एक देवबंदी एक बरेली है, इसमें से सही कौन है। दोनों बोलते हैं क्या मैं ही सही हूँ और दूसरा गलत है। भाई साहब ये देवबंदी लफ्ज कहाँ से आया, जो देवबंद से फारिग होते देवबंदी कहते, जो बरेली जगह है बरेली से फारिग होते तो बरेली कहते। कौन सही है, वो मुसलमान सही है जो कुरान पे अमल करता है, जो कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, चाहे देवबंदी हो बरेलवी हो नदवी हो मदनी हो कोई भी हो, किधर से भी हो, हिंदुस्तानी हो अमेरिकन हो सऊदी हो, जो कुरान के पैगाम पे अमल करे, जो अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर अमल करे और अल्लाह के रसूल के सही हदीस पे अमल करे, वो सही है। इसीलिए जानने के लिए कौन सही है आपको कुरान मजीद तो तर्जुमे से पढ़ने पड़ेगा। अगर कुरान मजीद तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है जानने के लिए कौन सही है कौन गलत है। तो मेरी तकरीर की बुनियाद थी ये, सवाल मुश्किल था जवाब बहुत आसान है। जो कुरान पे अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे वो लोग सही है। आपका दूसरा सवाल, यही लोग ने आप पे तनकीद की। भाई साहब, हाँ दूसरा सवाल मेरा सुन भाई लीजिए। साहब मेरा जवाब तो पहला सुनो ना। आपने बोले क्या लोग तनकीद करते हैं, एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन, दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन, आदम अलैहि सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना ही मुसलमान, गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में नंबर वन पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हजारों किताब लिखी है तो मैं तो नाचीज हूं, मैं तो मुकाबले में हूं ही ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते, मिसाल के तौर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचाए अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती जिंदगी पे फौरन असर होने लगा, जाती जिंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की जिंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा, जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैं नहीं कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन से अकलाता था, बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को, लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं गलती कर सकता हूं, गलत है तो आप आके बोल सकते हैं। जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरह नंबर 54 आयत नंबर 17 22 32 40 में नहीं लिखा है वलकद यस्सरनाल कुरान जिक्र फाल में मुद्दकर, आके बोलो। तो मैं इंसान हूं गलती कर सकता हूं, अगर कुछ गलत कहता हूं इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे लोग के सामने, मेरे बारे में गलत फहमी पेश करे। मैं जानता हूं कि यहां के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे जिसमें क्या है कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं, जब मैं तकरीर करता हूं बात करते हो कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते, हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, क्या कहे सब कते लिसान, या हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा मुसलमान से कि जॉर्ज बुश कैसे इंसान है, बोलेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान नहीं है। मैं नहीं को काट दूंगा, लगेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान है। उसको खुद को मैं दिखाऊंगा, आपने कहा नहीं नहीं, हो सकता है सबकते लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग, वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है। उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा जोड़ दिया अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है, मीडिया मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादिन का साथ दे रहे। अरे कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के मेरे अभी शेरवानी पहना माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके। तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके ये सवाल का मौका, आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहां रहता है, होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूं हू बहू पूछे, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलती करूंगा तो बोलूंगा माफ करना भाई इंसान हूं, मैं थोड़ी कहता हूं मैं फरिश्ता हूं, मैं कभी कहा भी नहीं मालूम हूं। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं, जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला दिए गलत है, ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूंगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत पे हूं तो बोलूंगा गलती है, माफी चाहूंगा। लेकिन ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हजारों किताबें हैं, हजारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह सुभान ताला का पैगाम पेश करूं, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊं, सही हदीस के करीब लेके आऊं। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के जरिए हजारों लोग लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान के और करीब आए, सही हदीस के करीब आए, वो लोग को परेशानी हो रही है और वो लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे मीडिया में। अभी कोई भी इंसान जो जरा भी बुद्धि रखता है, जब मैं कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के जरिए साबित करता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए, वेद के जरिए साबित करता हूं, क्या वो इंसान बोल सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? अभी आगे में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी ये लेंगे तो बताइए, जाकिर भाई ने कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी क्या करेंगे? ये मेरा लफ्ज जो है ना, सिर्फ ये पेश करेंगे। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो, कुरान की आयत है, कुरान की आयत है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में कि नमाज मत पढ़ो, पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में, नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में। तो उस तरीके से अगर मैं जवाब दे रहा हूं, अभी ये क्लिपिंग लेंगे। देखो तो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना हराम है, क्या कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल को दोहराता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, दोहराता हूं तो वो लेके बताएंगे देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो ऐसी चीजें करना बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए, और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मैं साहब और कोई सवाल है आपका? जी दूसरा सवाल है मेरा, तीसरा भाई साहब। ठीक है, ये तीसरा सवाल है कि बरेली समाज के लोग
सुबह सवेरे के टाइम में या नबी सलामे का पढ़ते हैं और असर के वक्त, जबकि देवबंदी समाज में ऐसा नहीं होता है, वो लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो लोग ये या नबी सलाम अलैका नहीं करते हैं। कारण भाई साहब का सवाल है कि कुछ लोग या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्या कारण है? जैसा मैंने कहा भाई साहब, आपके सारे सवाल का एक जवाब दे दो, आसान जवाब, कि जो कुरान से मिलता है वो सही है, जो कुरान से टकराता है वो गलत है। तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे भाई साहब, पूछो भाई, कुरान का कौन सा हवाला है आपका सवाल है? कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है या हदीस का कौन सा हवाला है? आसान, आपको एक मास्टर की देता हूं, मास्टर की समझे भाई साहब, मास्टर की, सारे ताले को खोलने वाली चाबी, मास्टर की। कोई भी कुछ बोले, कुल हाथू बना न कुम इनको तुम सौदी कि नहीं, कुरान की आयत है। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। तो अगर कोई भी मुसलमान कुछ कहे तो बोलो सबूत क्या है, कुरान से पेश करो, कुरान से है तो सही हदीस से पेश करो, हदीस सही है कहते कि करो, अगर सही हदीस से मिलता है, कुरान से मिलता है तो सही है। तो कोई भी कुछ भी सवाल करे उनसे पूछो कुल हाथू बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, बुरहान पेश करो अगर आप सच्चे। भाई साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने इतने सवाल पूछे मुझे, हाँ आपने कहा इस्लाम का मुताला किया है? नहीं किया। आप इतने सवाल इस्लाम के बारे में क्यों पूछ रहे? जी बगल में मुस्लिम का दुकान है तो जानकारी मिलते रहता है। हाँ तो मुस्लिम की दुकान बगल में है, बगल के मुस्लिम ने आपको भेजा होगा ये पूछने के लिए? नहीं गलत बात है, गलत बात है, आप खुद पूछना चाहते हैं। तो भाई साहब आप इतनी तहकीक कर रहे, बरेलवी देवबंदी आज बहस चला था ना। भाई साहब आप कुरान को तर्जुमे से क्यों नहीं पढ़ते? वो बात नहीं, आज बहस चला था दो ही गुट में। बिल्कुल सही, तो मैं चुपचाप सुन रहा था। हाँ तो अभी और मैंने सोचा आपसे आके क्वेश्चन पूछूंगा, तो जवाब मिल गया आपको ना कि कुरान मजीद सबसे बेहतरीन किताब है, जानने के लिए क्या हक है क्या गलत है, समझे अपना। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे भाई साहब कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, आपको डायरेक्ट सही चीज मिलेगी, ना बगल वाले से पूछिए ना अपने बगल के मुसलमान से पूछिए, डायरेक्ट कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, हिंदी जानते हिंदी में पढ़िए, जो जबान जानते बंगाली में पढ़िए, उसके ऊपर अमल करो, आपको इस दुनिया और आखिरत में फायदा होगा।